मत करिएगा, अभी घर आ रहा था क्लिनिक से जस्ट, तो एक कीड़ा जो है वो आँख में चला गया और उसके कारण ये सूजन आ गई है। पेन नहीं है, सिर्फ सूजन है, और कुछ मेडिसिंस मैंने ले ली है हल्के, हालांकि सुबह अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव क्लिनिक कर लूँ। तो चलिए लाइव क्लिनिक चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। प्लीज़ आँख देख के कमेंट मत करिए, क्योंकि दिख बहुत ख़राब रही है, लेकिन उतनी अंदर पेन नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो वैसे सुबह तक मेरे ख्याल से ठीक भी हो जानी चाहिए। क्वेश्चंस लेते हैं आपके फटाफट से और आंसर देते हैं। जैसे ही मैं घर आया, घर के सामने ही जो है वो कीड़े ने आँख में घुस गया और उसके कारण तकलीफ तकलीफ आँख तो में नहीं घुस हुई, गया और उसके सूजन, कारण तकलीफ। ईचिंग हुई थोड़ी सी और सूजन आ गई। एक सवाल है, सबसे पहला सवाल लेते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं फटाफट से। तो सवाल है, सर एज 29 है और हाइट की मेडिसिन 24 है और हाइट की मेडिसिन बताएं। देखिए इस एज में हाइट नहीं बढ़ती। दिव्यांशु जी का सवाल है, सर मॉम की एज 42 है और उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता है और टेस्ट भी नहीं आता है, क्या नक्सभूमिका भूख बढ़ाती है? नक्सभूमिका अच्छी मेडिसिन है। नक्सभूमिका आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद शाम को दे दीजिए, और जोंडिला सिरप अगर आपको मिल जाती है तो जोंडिला सिरप 1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम दे दीजिए। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक दीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो लगातार अगर आप देते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और करीब ले आऊँ, सही से आ नहीं रहा है फोकस में। अब ठीक है, अब सही है। तो इसको यहाँ पर रखते हैं। आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वीडियो क्वालिटी तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, एक बार बढ़िया बढ़िया आ रही है, क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, एक बार बढ़िया बढ़िया आ रही है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन है तन्मय जी की तरफ से, सर माय मॉम आरए पेशेंट है एंड इज़ यूजिंग मेडिसिन आरए फैक्टर, ESR थोड़ा सा बढ़ा हो, ESR ठीक है, CRP 4 है, आफ्टर सफरिंग फ्रॉम कोविड अप्रैल उनका ESR 12 आ गया था, CRP थोड़ा बढ़ गया था। देखिए CRP धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आरए जो फैक्टर पॉजिटिव है उसके लिए उन्हें R11 ज़रूर यूज़ करना चाहिए। R11 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और साथ में आप 2 मेडिसिन और लें, और पहली मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा 200 2 बूंद सुबह शाम, और डलकमारा 200 2 बूंद शाम को यूज़ करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दिख बहुत अजीब सा रहा है, मुझे भी खुद अपनी आँख देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कल सुबह तक ठीक हो जाएगा क्योंकि दर्द बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर ने डॉक्टर एक जगह पे 98% ब्लॉकेज रहेगा तो एनजीओ कराना ही बेटर रहेगा, या लॉट्स हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन से ठीक हो जाएगा, मेरा कलीग हॉस्पिटलाइज्ड है। देखिए अभी अगर हॉस्पिटलाइज है तो फास्ट करा लें, ज़्यादा बेटर है, और फिर उसके बाद लॉट्स हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन लेते हैं करा लीजिए, ज़्यादा बेटर है। 90% दूसरा मेरे ख्याल 70 कुछ% होगा, तीसरा भी 80-70 के या 60 तक होगा। तीनों अगर ब्लॉकेज हैं और 98 है तो बिल्कुल उन्हें जो है कराना चाहिए प्लास्टिक। और थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गणेश नायर जी। तो यही, क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वहीं पर अब आराम से जो है वो एंजियोप्लास्टी करवा लें, एंजियोग्राफी तो हो ही गई है, एंजियोप्लास्टी और करवा लें। तो एक सवाल है ब्रिजेश जी का, सर लाइपोमा के लिए क्या मेडिसिन लें? देखिए लाइपोमा के लिए थूजा 200 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें, साथ में कैल्केरिया फ्लोर 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, और लेपिस एल्बा 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए,
बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। सर एच पायलोरिक की मेडिसिन बताएं। देखिए एच पायलोरिक के लिए हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार और नक्स वोमिका 32 बूंद शाम को यूज़ करें। ये मेडिसिन 1 महीने तक लें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गिरीश वर्मा जी का सवाल है, सर खूनी पाइल्स है इसके लिए एस्कुलस मदर टिंचर, हेमामिलिस मदर टिंचर और पियोनिया मदर टिंचर, ये तीनों को ही आप बराबर मात्रा में मिलाएं और मिलाने के बाद 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर, पायरिया का एक बेस्ट मेडिसिन हेक्ला लावा टूथ पाउडर। हेक्ला लावा टूथ पाउडर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पायरिया के लिए, तो रेगुलर इसे यूज़ करना चाहिए। वीजल कंपनी का हेक्ला लावा टूथ पाउडर सुबह शाम इसे मंजन करें, लगातार मंजन करें, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और लगातार मंजन करने से आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। किलोइड हो गया है चेस्ट में, ये सवाल है आनंद सिंह जी का। देखिए किलोइड के लिए साइलिशिया 200 दो बूंद रात में, ये सैटरडे सैटरडे लें, साथ में थायोसाइनम 3x दो गोली सुबह दोपहर शाम चूसें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। और साथ में कैल्केरिया फ्लोर 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, अच्छी मेडिसिन है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक सवाल है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। देखिए हेयर फॉल की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप 2 मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें। एक तो आप सेबोरेंडी ऑयल वीजल कंपनी का सुबह शाम लगाएं और साथ में आप क्लार्क हेयर फार्मूला 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन 1 महीने तक लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डॉक्टर साहब एक कन्फ्यूजन है, जो आपका ईमेल किया है आप प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर दीजिए। मेरा ईमेल ये है, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की, लेकिन आपको मैंने मेडिसिन प्रॉपर बता दी है और कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन लीजिए, सभी मेडिसिन में एक मैं जब मेडिसिन बताता हूँ तो नीचे एक वीडियो का लिंक भी देता हूँ, अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपके जैसे मेडिसिन लेनी है वो आप आराम से समझ जाएंगे, तो लिंक ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो का। एक सवाल है, और सवाल है सर हेयर फॉल की मेडिसिन। देखिए हेयर फॉल का आंसर मैं दे चुका हूँ। एक सवाल है सर खूनी पाइल्स, वरुण शर्मा जी का सवाल है सर, इंटरनल वाइब्रेशन होती है और बॉडी में, देखिए इसके लिए कालीफॉस अच्छी मेडिसिन है, कालीफॉस 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। और साथ में आप एक मेडिसिन ब्राह्मी मदर टिंचर भी ले सकते हैं, ब्राह्मी मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, कालीफॉस 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम, ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, अच्छी मेडिसिन है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर मेरी सर काफ़ी आपका फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन पूरा नहीं है। और व्हाट इज़ द, हाँ एक सवाल है सर, 2 साल का बच्चा है, उसको बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर वीजल मिक्सचर दे रहे हैं, नाक बंद रहती है, खांसी बहुत हो रही है, दवा से आराम नहीं है, रात में सो नहीं पाता है, उसे ब्रायोनिया 30 एक बूंद सुबह दोपहर शाम और एंटीएम टार्ट 30 एक बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, वीजल मिक्सचर की जगह अगर अल्फ़ा कफ सिरप देंगे, ये WSI का आता है, इसे दीजिए लगभग 2.5 ml दिन में 3 बार, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, बायो कॉम्बिनेशन कंटिन्यू रखें। एक सवाल आंसर दे चुका हूँ, बॉबी यादव जी का ही सवाल था ये। एक सवाल है सर, हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम है। देखिए हाइपर हाइड्रोसिस के लिए R32 यूज़ करें, R32 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और R32 के साथ साथ आपको एक मेडिसिन और लेनी चाहिए, साइलिशिया 200 दो बूंद रात में, तो साइलिशिया आप सप्ताह में 1 बार यूज़ करें और R32 रेगुलर यूज़ करें, अच्छी मेडिसिन है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक सवाल है, इसका कोविड हुआ था 3 मंथ पहले, लास्ट 15 to 20 days से वर्टाइगो लगातार आ रहे हैं सर, पीछे पेन होता है सर्वाइकल जैसे चलता हुआ भी
पैरों में वीकनेस लगती है, थोड़ा चलने के बाद ठीक लगता है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। देखिए, आपको अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर, सॉलिडेगो मदर टिंचर और रक्सटॉक्स मदर टिंचर, इन तीनों को मिला के 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। आर्निका 200 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना चाहिए। कोनियम मैक्यूलेटम 200 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना चाहिए। और कालीफॉस 66 6 गोली सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। और स्पॉन्डिन ड्रॉप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सुपर चैट है, और ये सुपर चैट है सैम राजपूत जी की तरफ से। सर, मेरी मदर को डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण राइट आइज में बहुत कम दिखता है, और पैरालिसिस के कारण राइट लेग सही काम नहीं करता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। आप उन्हें कालीफॉस ज़रूर दीजिए, कालीफॉस 6x 6 गोली सुबह शाम दीजिए, और साथ में कॉस्टिकम 200 2 बूंद रात में, और जेलसीनियम 200 2 बूंद सुबह सुबह। ये मेडिसिन 1 महीने तक दीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो लोग नए आए हैं और चेहरा देख के उन्हें चिंता हो रही है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर से घर में जैसे ही क्लिनिक से घर आया था, तो एक कीड़ा बाहर ट्यूबलाइट लगी हुई है उससे आके मेरे आँख में सीधा चला गया, और गलती से मैंने काफ़ी उसको उस समय बहुत इरिटेशन हुआ तो मैंने रगड़ दिया, और रगड़ने से ये रेडनेस आ गई है और सूजन है। लेकिन मुझे पता है कि सुबह तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि दर्द बिल्कुल भी नहीं है, ना इरिटेशन है ना कुछ, बस थोड़ा सा पानी जैसा निकल रहा है और सूजन ठीक हो जाएगी, क्योंकि पेन बिल्कुल नहीं है, इरिटेशन भी नहीं है, ना इचिंग है ना कुछ है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। सर, व्हाट मेडिसिन फॉर सर्वाइकल डिस्टोनिया? इसके लिए आपको कैल्केरिया फ्लोर 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करना चाहिए, अच्छी मेडिसिन है। और साथ में कालीफॉस 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम 200 2 बूंद रात में, और आर्निका 200 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। चेहरा बिल्कुल बाबा रामदेव जैसा दिख रहा है, एक आँख बिल्कुल दबी सी हुई अजीब सी दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाना चाहिए कल सुबह तक। सवाल ले लेते हैं, स्पाइनल बढ़ गई है क्या? क्वेश्चन पूरा ऊपर चला जाता है बार बार। सवाल यहाँ पर सुपर चैट है क्या? हाँ, सुपर चैट है। एक सदक जी का सवाल है, सर आरए पेशेंट है और वैक्सीन ले सकते हैं सर? देखिए, इस पे थोड़ा सा डिबेट है एक्चुअली में। जो ऑटोइम्यून डिसीज़ वाले पेशेंट रहते हैं, वो अपना सीआरपी टेस्ट करा लीजिए। अगर सीआरपी टेस्ट नॉर्मल है तो बिल्कुल वैक्सीनेशन करा सकते हैं, अगर सीआरपी टेस्ट बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर से पूछ के वैक्सीनेशन कराएं, एमडी डॉक्टर से पूछ के वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करा सकते, लेकिन सीआरपी टेस्ट ज़रूर करा लें। और आरए और किसी भी तरह का ऑटोइम्यून डिसीज़ है, हालांकि ऐसा कहीं अभी इतना बड़ा रिसर्च तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सीआरपी टेस्ट आपको कराना पड़ेगा, खासकर अगर आरए है तो। एक सवाल है आशुतोष गुप्ता जी का, सर आफ्टर कोविड माई लिम्फ नोड बढ़ गए हैं। देखिए, लिम्फ नोड अगर आपके काफ़ी बढ़े हैं कोविड के बाद, तो थूजा 200 2 बूंद सुबह सुबह, और साथ में हाइड्रस्टिस मदर टिंचर और इचिनिशिया मदर टिंचर, ये दोनों को आप बराबर मात्रा में मिलाएं, और मिलाने के बाद 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। और कैल्केरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोगों के लिए हर दिन लाइव क्लिनिक लाता हूँ, कैसा भी हो कभी भी मतलब अगर कंडीशन सही रहती है, और नहीं भी रहती तब भी मैं कोशिश यही करता हूँ खिलाने की, तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। आप लोगों के लाइक हमेशा कम रहते हैं तो ज़रूर लाइक करिए। और एक सवाल है सर, बैक्सन का बक्सी बी ड्रॉप 34, देखिए मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ तो मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ। बक्सी का जो ड्रॉप होते हैं वो अलग अलग, बहुत सारी कंपनियाँ अलग अलग नंबर से ड्रॉप निकालती हैं, तो बड़ा मुश्किल है। मैं यूज़ नहीं किया हूँ बैक्सन के, मैंने कार्डेड ड्रॉप बस यूज़ किया है, कार्डेड यूज़ करता रहता हूँ, कार्डेड यूज़ किया हूँ। और बैक्सन का बीपी है अभी ठीक आ गया। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चन है
आर्य का सवाल था और विनीता जी का सवाल है सर, उनकी एज लगभग 6 ईयर, हैविंग ग्लूटियन एलर्जी कॉजेस डायरिया। देखिए, एथुसा सैनेपियम उन्हें 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह हर संडे और वेनेसडे दीजिए, साथ में R83 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार ज़रूर दीजिए, और थूसा 30 CH पोटेंसी में 1 बूंद शाम को दीजिए। ये मेडिसिन आप उन्हें 3 दिन लगातार दीजिए और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताज मोहम्मद जी का सवाल है सर, क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर इनपोटेंसी की भी प्रॉब्लम है और साथ में फ्लूइड भी डिस्चार्ज होता है, पता नहीं रिकनेक्ट क्यों हो रहा है। रेस्क्यू रेमेडी, हाँ सवाल तो आपने समझ ही लिया होगा, और सवाल का आंसर मैं ताज मोहम्मद जी का दे रहा था। नेक्सवोमिका 200 2 बूंद शाम को यूज़ करिए, साथ में रेस्क्यू रेमेडी 30 1 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए, एकोनाइट 30 1 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए, ट्रैंक्विल टैबलेट 2 गोली सुबह शाम, और अश्वगंधा मदर टिंचर, डैमियाना मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर, ये तीनों को मिलाएं और मिलाने के बाद 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल लेते हैं और आंसर देते हैं उनका, और सवाल है भी हो जाएगा वैसे भी काफी तो आप यूरेनियम नाइट्रिकम यूज कर सकते हैं। यूरेनियम नाइट्रिकम, 1 मिनट, ये नेट जो है वो बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है आज। हाँ, यूरेनियम नाइट्रिकम SCGC कॉम्बिनेशन तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। SCGC कॉम्बिनेशन आप 20 बूंद आधे पानी में 3 बार लें, और यूरिन नाइट्रिकम आप 4x टैबलेट में 2 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, नेट भी खराब है, मतलब आज का दिन ही खराब है। वो